पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। काशी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन वो करेंगे। शाम 6 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। काशी के घाटों पर आज लेजर लाइटिंग शो का आयोजन होगा। उद्घाटन के बाद लड्डू भी बांटे जाएंगे। और आपको बता दें कि 16 लाख लड्डू आज बांटे जाएंगे। 8 लाख घरों में ये 16 लाख लड्डू बांटे जाएंगे। लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। भाजपा शासित 11 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। आज बाबा भोले के भक्त बहुत ज़्यादा खुश है। काशीवासी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही वाराणसी के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि दिव्य और भव्य काशी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही शाम 6 बजे गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। ये वो कॉरिडोर है जिसके ज़रिए जो लोग, जो भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। आदित्यनाथ, उनका सबसे पहला पड़ाव काल भैरव मंदिर का है और संभवतः ये तस्वीरें वहीं से, काल भैरव मंदिर की वाराणसी से तस्वीरें, और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पहुंचे हैं। क्योंकि काल भैरव मंदिर के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनको वाराणसी का क्षेत्रपालक कहा जाता है, और एक तरीके से बाबा विश्वनाथ भगवान शिव ने उनको क्षेत्रपाल नियुक्त किया था वाराणसी शहर का। अपने आप में बहुत मान्यता है, देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी आज जब बाबा की नगरी पहुँचे हैं तो पहले काल भैरव के दर्शन करने पहुँचे हैं। अपना माथा टेकना, शीश झुकाना, ये दर्शाता है किस प्रकार से एक आस्था का एक सैलाब मन के अंदर है, और उस सैलाब के चलते एक आस्था का एक साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से इस पूरी जो नगरी है, काशी नगरी है, इसका जो एक विरासत है, इसका जो एक अपने आप में भव्यता है, उन तमाम चीजों को आत्मसात करते हुए, और काल भैरव साफ तौर पे सामने दिखाई पड़ रहा है। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधानमंत्री, निश्चित तौर से मन में यही भाव होगा, काशी की अपनी पहचान को स्थापित करने का जो बीड़ा प्रधान सेवक और काशी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया था, उसको वो मूर्त रूप से जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हो सके। और ये फूलों की माला काल भैरव को अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक तरीके से जो एक पूरी तरीका होता है विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का, उसके तहत प्रधानमंत्री वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से मन में तमाम प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री के। और अब प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना करते हुए, और बाबा काल भैरव का दर्शन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और अपने आप में कई प्रकार के लोगों की मान्यताएं हैं बाबा भैरव को लेकर, कि जो भी अपनी दिक्कतें, परेशानियां, शंकाएं लेकर यहाँ आते हैं उन सबको यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से, उन तमाम दिक्कतों से निजात मिलती है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 2 दिन के वाराणसी दौरे पे पहुंचे हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं, और ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से नया विस्तारित दिव्य और भव्य रूप दिया गया है, और इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री ने इसके विस्तारित कार्यक्रम के तहत की थी, और पहले फेज का काम 339 करोड़ रुपए के तहत किया गया है, जिसमें 23 नए भवनों का एक तरीके से निर्माण हुआ है, और तमाम विधि विधान के साथ इस वक्त पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। घन भक्त वस्त्रं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विलिप्त
तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है। और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति आदर प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है, और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है, और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है, और ऐसे अमृत को ग्रहण करना अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है और कई प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान काल भैरव के दरवाजे पे जाना और वहां पर माथा टेकना और अनुमति लेना कि मैं काशी आया हूं, आपको शीश नवाने आया हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं, मैं अब आगे जाऊंगा बाबा के दर पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद कोतवाल नियुक्त किया है बाबा काल भैरव को, और खुद वहां पर एक अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और तमाम आज के जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो वो कार्यक्रम यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, और वहां पर उनको भगवान काल भैरव का एक चित्र भी भेंट स्वरूप दिया गया है यहाँ के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की
जो एक तमाम प्रकार से आगे की जो कार्यवाही चल रही उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले फेज का जो काम आज कंप्लीट हुआ है, लगभग 339 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं को जमीन पे उतारा और उकेरा गया है, ऐसी परियोजनाओं के तहत आज उनको श्रद्धालुओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधान सेवक हैं और उनके फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, शीश उन्होंने नवाया और भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो परंपरा अपनाई जाती है, जब भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं उसी परंपरा के अनुसार वो यहाँ पर मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, शीश नवाते हैं और उसके बाद जो वहाँ पर पंडित मौजूद रहते हैं उनको पूजा अर्चना करवाते हैं, विशेष पूजा अर्चना वो यहाँ पर करते हैं और जो पौराणिक मान्यता है उन्हीं के अनुरूप पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मंदिर प्रशासन उनको ये खास और विशेष पूजा अर्चना करवा रहा है। अब इसके बाद वो बाबा भोले के दर्शन के लिए भी जाएंगे क्योंकि आज बड़ी सौगात श्रद्धालुओं को वो देंगे और एक बड़ी सौगात अपने आप में ये काशी वासियों के लिए भी है, वाराणसी के लोगों के लिए भी है। तो ऐसे में सभी जगह आज का दिन त्योहार से कम नजर नहीं आ रहा है। ये खास और विशेष कार्यक्रम का आयोजन जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उसी गरिमामय स्थान पर प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को दिशा देगा अपनी मानवीय मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, जिसके लिए भारत जाना जाता रहा है। और पूरा विश्व आज सचमुच माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर देख रहा है, नए भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया। भौतिक जगत की प्रगति और विकास के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के लिए भी उन्होंने कार्य किया, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का प्राण उसकी आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। और इसीलिए जब तक एक एक व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान नहीं होगा, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को अपना कल्याण करना पड़ेगा, अपनी आंतरिक चेतना का उत्थान करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति का मन शांत होगा तभी विश्व शांति की कल्पना साकार हो पाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये महान कार्य किया है। भाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो भी उन लोगों के बीच में अपने को अभिभूत पा रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें सांसद बनाकर ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ के लिए वो कुछ कर सके। और निश्चित तौर से हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार से हवा में हाथ जोड़कर ये दिखाता है प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपना अभिवादन दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट कर। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए जो बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की, शीश नवाया और जो परंपरा अपनाई जाती है पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप उन्होंने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब वो मंदिर प्रांगण से बाहर निकले तो हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो नजर आए। और देखिए भगवान शिव किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है उनके आने के साथ ही, क्योंकि बड़ी सौगात आज सभी श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो अर्पित करेंगे और साथ ही बड़ी सौगात सभी श्रद्धालुओं के लिए जिनको तंग गलियों से गुजर करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, अब इस कॉरिडोर के जरिए सीधे वो दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहा जाता है कि जब आप जाते हैं तो गंगा जल आपको लेकर जाना होता है। अब ऐसे में जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते थे उनको तंग गलियों से होते हुए पहले गंगा घाट जाकर गंगा जल लेना होता था, उसके बाद मंदिर जाना पड़ता था। पर अब ऐसे में सौहार्दपूर्ण 400 भवनों का अधिग्रहण किया गया और उसके बाद 2200 श्रमिक से ज़्यादा श्रमिक प्रतिदिन दिन रात मेहनत करते हुए इस कॉरिडोर के निर्माण में लगे रहे। और उसके बाद आज ये बड़ी सौगात सभी श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही खास कार्यक्रम का आयोजन बाबा विश्वनाथ के यहाँ पर मंदिर किनारे प्रांगण में भी आज होगा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को
यहाँ पर नमस्कार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी है, उसके बाद भी उनकी एक खासियत रहती है कि जब वो लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा को छोड़ के वो लोगों से मिलना और उनका अभिवादन स्वीकार करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि देश के लोगों से हमेशा जुड़ाव रखे। और ऐसे में ये उनका डाउन टू अर्थ नेचर हर जगह नज़र आता है। बहुत खास तस्वीरें हैं, देखिए गाड़ी से उतरे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग जो उनके आने से खुश नज़र आ रहे थे, सभी के चेहरे पर एक खुशी नज़र आ रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात इन सभी श्रद्धालुओं के लिए लेकर आए हैं। पहले मंदिर भवन का जीर्णोद्धार होता है, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। तो ऐसे में सभी के चेहरे पर एक मुस्कान और सभी का अभिवादन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। और पौराणिक मान्यता के अनुसार कि जब भी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, बाबा भोले के दर्शन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना शीश नवाना होता है काल भैरव के मंदिर में। बाबा काल भैरव के समक्ष अपना शीश नवाना होता है। उसी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए ये वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंच से क्या कहते हैं ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कलाकार यहाँ पर मौजूद है और ये वो कलाकार हैं जिन्होंने इस मंदिर की जो गाथा है अपने गीतों में पिरोई है और सभी के समक्ष पेश की है। बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वाकई में आज का दिन काशी के लिए, वाराणसी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, किसी खास पर्व से कम नहीं है, क्योंकि आज बड़ी सौगात तो मिलने ही वाली है और साथ ही कई लेजर लाइटिंग शो का आयोजन घाटों पर किया जाएगा। 16 लाख लड्डुओं का वितरण आज किया जाएगा और नई परंपरा, एक ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत भी आज से होगी।